सूर्यवंशी की रिपोर्ट। एसडीएम नागदा द्वारा लोक सेवा केंद्र का औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण में पाई गई अनियमितताएं काफी पुराने आवेदन पड़े पाए गए, लेकिन ऑनलाइन नहीं किए गए जो आवेदन ऑनलाइन कर दिए गए उनकी हार्ड कॉपी भी संबंधित कार्यालय को नहीं भेजी। उल्लेखनीय है कि एसडीएम को लगातार लोक सेवा केंद्र द्वारा बरती जा रही अनियमितताओं की शिकायत मिल रही थी। इसी को लेकर एसडीएम ने पूर्व में भी लोक सेवा केंद्र प्रबंधक को नोटिस जारी किया था, परंतु लोक सेवा केंद्र प्रबंधक ने आज तक उसका जवाब नहीं दिया। ऐसी स्थिति में एसडीएम ने आज अचानक छापामार कार्रवाई की तथा काफी ऐसे आवेदन जब्त किए जो काफी पुराने होकर ऑनलाइन ही नहीं किए गए थे अथवा ऑनलाइन कर दिए तो ऑनलाइन हार्ड कॉपी नहीं भेजी गई थी। नागदा से संजय शर्मा की रिपोर्ट। कल आपके द्वारा कार्यालय में कार्रवाई की गई थी, वो क्या किस परपस थी, क्या कार्रवाई थी? देखिए, मुझे वकील लोग लगातार शिकायत कर रहे थे कि वो नकल का आवेदन यदि लोक सेवा केंद्र में देते हैं तो जो निर्धारित समय सीमा दी जाती है उसके भीतर उन्हें नकल प्राप्त नहीं हो रही। तहसील कार्यालय से बताया जाता है कि लोक सेवा केंद्र से आवेदन नहीं आए। इसी तरह से मेरे पास प्रमाण पत्र वाले लोग आते थे और उनका कहना है कि सर लोक सेवा केंद्र में उन्होंने 10 दिन पहले आवेदन दे दिया। जब हम हमारे यहाँ ऑनलाइन देखते थे तो उनका आवेदन ऑनलाइन आना नहीं पाया जाता था। हमने जाति अभियान के प्रमाण पत्र जो 1 साल की अवधि थी उसमें भी 252 30 जून तक पेंडिंग पाए, तो हमें लगा कि कहीं ना कहीं बहुत बड़ी गलती है। हमने इसकी जांच करी तो जांच में लगभग 102 आवेदन ऐसे पाए गए जो तहसील कार्यालय में भेजे ही नहीं गए, ना ऑनलाइन भेजे गए और ना ही ऑफलाइन भेजे गए। तब हमने उस संचालक को नोटिस जारी किया। नोटिस जारी करके जवाब की अवधि थी 3 दिन, परंतु आज 30 जून से 18 तारीख हो गई थी तब तक उसके द्वारा कोई जवाब नहीं दिया गया। स्पष्ट है कि वो फाइट में हमें जब हमारे काश्तकारों ने बताया, प्रमाण पत्र के लोगों ने बताया, वकीलों ने बताया, तब हमने अचानक छापामार कार्रवाई करने का निर्णय किया। अचानक छापामार कार्रवाई में हमने जो पाया वह इतना खतरनाक था कि 24, 25, 26 जून के लगभग 300 आवेदन पेंडिंग पड़े थे जो ऑनलाइन नहीं थे अथवा ऑनलाइन थे तो तहसीलों में नहीं भेजे गए थे। बहुत गंभीर त्रुटि थी। नकलों के आवेदन पेंडिंग पाए गए, समग्र पोर्टल के आवेदन पेंडिंग पाए गए, इस तरह जो विभिन्न योजना के फॉर्म थे वो भी हमने पेंडिंग पाए वहाँ पर, तो हमने सारे जब्त कराए, फिर उनकी छटनी करवाई। छटनी करवाने के बाद उसको आदेश दिया कि 24 घंटे के भीतर इनको ऑनलाइन करके संबंधित विभागों को भेजें। कार्रवाई तो हम कर रहे हैं क्योंकि इतनी बड़ी लापरवाही हम क्षमा नहीं कर सकते। हम इसका लोक सेवा केंद्र का आगे लाइसेंस नवीनीकरण ना हो इसके लिए कलेक्टर साहब को लिख रहे हैं, और ज़रूरी होगा तो इसका यदि 1-2 महीने की अवधि बड़ी होगी तो हम बीच में ही इसका लाइसेंस निरस्त कराने की कार्रवाई करेंगे। सर, इसमें जो दोषी पाया जाता है उसके लिए क्या सजा क्या प्रावधान? देखिए, अनुबंध होता है कि अनुबंध अनुसार काम करेगा और शासन की नीति के अनुसार प्रमाण पत्रों का या जो भी आवेदन आएंगे उनको दर्ज करेगा और ऑनलाइन भेजकर निराकरण कराएगा, और जो निराकरण हो जाते हैं इसको वितरण करना है। इसने कार्रवाई नहीं की, अनुबंध का उल्लंघन है। ऐसी स्थिति में कार्रवाई कोई हो सकती है कि अनुबंध इसका निरस्त कर दिया जाए अथवा इसको ब्लैक लिस्ट करके आगे का ये अनुबंध नहीं कर पाए, ऐसी व्यवस्था की जाए। ठीक है सर।